हाय फ्रेंड्स, आप भी HDFC बैंक का किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं और उस कार्ड को यूज करते हुए आप जितना रिवॉर्ड पॉइंट को अर्न किए हैं उस रिवॉर्ड पॉइंट को आप रिडीम करना चाहते हैं वो भी डायरेक्ट कैश में, तो इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में हर एक पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे और कितना चार्जेस लगा है वो भी आपके साथ डिटेल्स में बताएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। और आपके पास अभी भी HDFC बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो HDFC बैंक की तरफ से अभी 3 क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री दिया जा रहा है। इसका जो ऑफिशियल लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे, वहां से अपना क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा पास जो HDFC बैंक का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए हमने टोटल 2417 यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट अर्न किए है। उस रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करते हुए हमने कौन सा स्टेप को फॉलो किया है और मेरा पास HDFC बैंक का कोई भी बैंक अकाउंट अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले गूगल या गूगल क्रोम को ओपन करना है, वहाँ पर सर्च करना है कि HDFC बैंक नेट बैंकिंग, तो जो पहला लिंक ओपन होगा उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, ऊपर की तरफ लॉगिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड पोर्टल वाले ऑप्शन है सिंपली उसके ऊपर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो फिर से कंटिन्यू टू क्रेडिट कार्ड पोर्टल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड के थ्रू नेट बैंकिंग में लॉगिंग करने का जो पेज है इस तरीके से ओपन हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ अपना यूजर ID पासवर्ड फिलअप कर लेना है। और आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए रजिस्टर्ड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू नेट बैंकिंग कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है इसका ऊपर डिटेल्स वीडियो इस वीडियो का आई बटन या डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो यूजर ID और पासवर्ड है वो फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद नीचे की तरफ जो लॉगिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, फिर से अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर यहाँ पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, तो नेक्स्ट पेज के अंदर अपने पास जो क्रेडिट कार्ड है, तो मेरा पास रुपए मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड का सारा डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, क्योंकि हम यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करेंगे, तो रिडीम करने के लिए नीचे की तरफ जो मोर एक्शन वाले ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके रिडीम रिवॉर्ड पॉइंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे कॉन्फर्मेशन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने का जो फाइनल पेज है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो मेरा पास यहाँ पे 2417 यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट अवेलेबल है। तो अपना जो रिवॉर्ड पॉइंट है उसको यहाँ पे 4 तरीके से रिडीम कर सकते है। पहला प्रोडक्ट एंड वाउचर, दूसरा इंस्टेंट वाउचर, तीसरा यहाँ पे कैश, चौथा एयरलाइंस। तो पहले जो प्रोडक्ट एंड वाउचर, तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, उस प्रोडक्ट को आप परचेस कर सकते हैं अपना रिवॉर्ड पॉइंट के थ्रू। दूसरा इंस्टेंट वाउचर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे कंपनी का जो वाउचर है इस तरीके से आपका देखने को मिल जाएगा, तो अपना मर्जी के हिसाब से आप यहाँ पे वाउचर रिडीम कर सकते है। लेकिन मेरा पास जितना सारा रिवॉर्ड पॉइंट है उसका हम कैश में कन्वर्ट करना चाहते है, इसलिए कैश के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते है रेडी टू रिडीम कैश, तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपके पास जितना रिवॉर्ड पॉइंट है उसको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 2417 रिवॉर्ड पॉइंट का यहाँ पे वैल्यू 604 रुपया है। तो अपना रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू चेक करने के बाद नीचे की तरफ प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, तो सारे डिटेल्स चेक करने के बाद यहाँ पे जो टर्म्स कंडीशन है उसको एग्री करके रिडीम नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, तो इसको एक बार कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो फाइनली यहाँ पे जो रिडीम प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे एक ऑर्डर ID नंबर मिल चुका है। तो यहाँ पे हमने जितने अमाउंट का रिडीम लगाया है उसके लिए यहाँ पे 12 से 24 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 घंटे के बाद मेरा नंबर पे एक SMS मिला हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे HDFC माई कार्ड एप्स के अंदर लॉगिंग किए है। लॉगिंग करने के बाद जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है उसको हमने यहाँ पे चेक किए है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैशबैक फॉर रिडीम्पशन यहाँ पे 604 रुपया मिल चुका है। और इसका ऊपर यहाँ पे जो चार्जेस लगा है
कैशबैक रिडीमशन यहाँ पे 50 रुपए का यहाँ पे चार्जेस लगाया गया है। और आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड की अगेंस्ट आपका रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू अलग हो सकता है। और इस वीडियो का रिलेटेड आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो का नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।